देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई पर्यावरण बचाने हेतु एक साइकिल रैली। इस साइकिल रैली का आयोजन कर मानव सेवा समिति के संयोजक विजय उपल ने शहर में यह संदेश दिया कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें कम से कम एक दिन पेट्रोल से दूर रहना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश संदीप दत्ता, कलेक्टर राजेश जैन, पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल, सुमन बिसारिया, जिला कमांडेंट होमगार्ड जीबी अहिरवार, कार्यपालन अभियंता रेलवे राजेश शर्मा, डीआईजी पुलिस आपदा प्रबंधन भोपाल, प्रमुख अधीक्षक, गणमान्य नागरिक व स्कूली बच्चों एवं समाज से भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सत्र न्यायाधीश संजीव दत्ता ने हरी झंडी दिखाकर शास्त्री पार्क से किया। रैली गुना के सदर बाजार हार्ट रोड होती हुई युवराज क्लब तक पहुंची। युवराज क्लब में सभी प्रतिभागियों के लिए स्वल्प आहार की व्यवस्था भी की गयी। करता हूँ आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई विजय उपल, मैं जो भी साइकिल रैली में भाग ले रहे हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और क्योंकि ये बोलने का समय नहीं है क्योंकि बच्चे भी खड़े हुए साइकिल चलाने के लिए, हमने पर्यावरण के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया है। और हम ये शहर को संदेश देना चाहते हैं कि आगे करके सब लोग साइकिल चलाएं जिससे हमारा बंदा प्रदूषण मुक्त हो सके। धन्यवाद। गुना के है बैरी जो लोगों को मालूम चला कि गुना में इतना अच्छा कार्यक्रम आप यहाँ आयोजित कर रहे हैं तो वे यहाँ पधारे हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में फैला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, भारत माता की जय। चलो 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 मुकेश साहब कहते हैं बहुत बढ़िया होता है। सर आप भी ले लेते एक साइकिल। अरे हो गया, फिर वो हम ही पहुंचना है। अरे वाह काफी चल रहा सिर्फ बेटा आराम से जाइए, थोड़ा साइड हो, थोड़ा साइड हो। चलो बेटा चलो 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 बस बस बेटा क्या दी करो गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे जिला सत्र न्यायाधीश संजीव दत्ता ने बताया कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य में भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। इस तरह से पर्यावरण बचाने वाली रैलियों का आयोजन वाकई में कारगर है। मानव गुना समिति जो पर्यावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये बड़े अत्यंत प्रसन्नता का विषय है क्योंकि पर्यावरण बहुत स्वच्छ होना आवश्यक है। अभी बड़ा दुख हुआ कि दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़े पर्यावरण खराब हो जाने से, क्योंकि जीवन अगर पर्यावरण है तभी जीवन है, बिना पर्यावरण के जीवन की कल्पना भी की जा सकती। देश में कानून बहुत बने हुए हैं लेकिन उसका केवल कानून के भरोसे समस्या हल नहीं होगी। नागरिकों का सहभागिता जरूरी है, लोगों को जागरूक होना होगा तभी समस्या हल होगी। जैसे कि आप छोटे पॉलीथिन यूज ना करें, है ना, अपना कचरा बाहर ना फेंकें, ये छोटी सी चीज़ें हैं सब घर में कर सकते हैं, पेड़ लगाएं। इन चीज़ों से क्या होगा कि पर्यावरण स्वच्छ होगा, साफ होगा। जन्मदिन मनाएं तो किसी अगर घर में जगह नहीं है तो बाहर किसी पार्क में पौधा लगाएं, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ानी हो। वहीं समाज सेवी एवं अधिवक्ता वरुण सूद ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से शहर में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति आती है। यह आयोजन बहुत अच्छा है और इसको लगातार चलता रहना चाहिए, सिंबॉलिक रूप से ना हो बल्कि ये आदत में आ जाए तो महीने दो महीने में एक बार ये प्रोग्राम होता रहे। जरूरी नहीं है कि बड़े आयोजन के रूप में हो, एक पर्टिकुलर डे से दो चार किलोमीटर साइकिल चला ली जाए तो इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर लोगों को शौक भी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत ही शानदार आयोजन था, खासतौर पर विजय उपल साहब का, रंगेश श्रीवास्तव का, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है
मैं सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू। साक्षी मेडिकल कॉलेज के अमित राठौड़ ने बताया कि इस तरह के आयोजन शहर में होते रहना चाहिए, लोगों का मनोबल बढ़े और वह प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बच सके। बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम को और ऐसे आयोजनों को हम बहुत सराहना करते हैं, पूरे प्रशासन का और पूरे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और इसमें ये लगता है शहरवासियों के लिए एक मैसेज जाता है जो ये बताता है कि कैसे स्वच्छ ताकि और हम लोग आगे बढ़ें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस टाइप के और आयोजन सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और हमारी जितनी भी संस्थानें हैं जिनमें ग्रुप की, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जितनी भी जागरूकता और जितने भी प्रयास हम लोग कर सकें वो बढ़ाएं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मानव सेवा संस्थान को जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया और ऐसे आयोजन और भी हमारे लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। गुरुकुल स्कूल के विकास सोनी ने बताया कि इस तरह के आयोजन वाकई में लोगों में बदलाव ला देते हैं। इस तरह के आयोजन शहर के लिए जान है, ये बहुत ज़रूरी है मानव के लिए और पर्यावरण के लिए। इस तरह के आयोजन से आगे के लिए प्रेरणा मिलती है। जिन लोगों ने बरसों से साइकिल नहीं चलाई वो साइकिल चला रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब रोज़ाना इस चीज़ को कंटिन्यू करें, संदेश भी दें और खुद भी अपनाएं। समाज सेवी एवं मानव सेवा समिति के संयोजक विजय उप्पल ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम करने का मकसद केवल यही है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति रुझान बढ़े, लोग समझें कि कैसे हम पर्यावरण के दुश्मन हो रहे हैं और इसको कैसे बचाया जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सांस्कृतिक रैली थी। अब देखना ये होगा कि इस रैली के बाद कितने लोग वाकई में गाड़ियां छोड़कर साइकिल चलाते हैं। बता दें कि इस रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हमारे देश की जो प्रदूषण के कारण हालत ख़राब हो रही है, जो अभी दिल्ली में जिस तरीके का धुंध छाया हुआ है प्रदूषण की वजह से, जो अभी यमुना एक्सप्रेस पर घटनाएँ घटी हैं, इसको लेकर हम चाहते हैं कि कम से कम इसको, इससे प्रेरित होकर हमको ऐसा लगा कि इसके लिए काम करना चाहिए। हमारे दिमाग में ये विचार आया क्यों ना साइकिल रैली आयोजित करके लोगों को जनसंदेश पहुँचाएँ कि साइकिल से चलें, वाहनों का उपयोग कम से कम करें जिससे प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण सुरक्षित हो और लोगों को साइकिल चलाने की आदत पड़े और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। क्या प्रतिक्रिया देंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? मैं समझता हूँ सारा शहर इसमें शामिल हुआ है और सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारा शहर, सारा व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़ के, स्कूल के बच्चे सब ने सहयोग दिया है। मुझे लगता है कि हम इस कार्यक्रम में सफल होंगे। जो हमारा संदेश देना चाहते हैं निश्चित रूप से पूरे हमारे देश में जाएगा और इस तरीके के आयोजन चाहते हैं हर प्रदेश, अपने ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हों, लोगों को प्रेरित करें। ब्लॉक कांग्रेस ने मनाई श्रीमती इंदिरा गांधी एवं रानी लक्ष्मीबाई की जयंती। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राधोगढ़ के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती एवं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई, जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस जयंती समारोह में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, जिला महामंत्री विजय कुमार जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरी, समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जन, उपभोक्ता कांग्रेस, NSUI, समस्त विधायक प्रतिनिधि, पार्षदगण आदि समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम उस महान विभूति को याद करते हैं जिनकी लोहा एक देश ने सारे राष्ट्रों में माना है। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आज ग्राम धरनावदा में पद्मावती फिल्म का विरोध जोर शोर से किया गया। पद्मावती फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली का समस्त हिंदू समाज ने पुतला दहन किया और फिल्म का विरोध किया। इसमें नगर के समरजीत सिंह, दुष्यंत सिंह जी, हनुमत सिंह रावतपुरा, विश्व प्रताप सिंह, नंदू जैन, फतेह सिंह, कोमल सिंह, अजय पाल, बिट्टू चौहान, शिवानंद सिंह खींची, हरि सिंह सोलंकी, सुनील जैन, ईश्वर सिंह जी, अनिल, गोलू शर्मा, जगदीश सिंह, सोनू कोरी, विकास शर्मा एवं आसपास क्षेत्र के सभी हिंदू भाइयों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये फिल्म किसी टॉकीज में चली तो इसका हम जमकर विरोध करेंगे, हम माँ पद्मावती का अपमान नहीं सहेंगे, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये लड़ाई राजपूतों की ही नहीं वरन समस्त हिंदू समाज की है। आज हम सब एक हैं। अभी अरविंद भाई साहब ने दिए जूते भैया, अरविंद भाई साहब यह जूता जल्दी मार के आए। ये वही बात।
धन्नावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज कांग्रेसियों ने उनका विवरण किया, साथ ही कांग्रेस कार्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा के नेतृत्व में सिंधिया कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश में असहनशीलता का वातावरण बढ़ता जा रहा है, देश को एकता की जरूरत है। वहीं चारों तरफ भ्रष्टाचार एवं महंगाई एवं व्यापम घोटाला, मोदी गेट कांड आदि भ्रष्टाचारों से जनता को नुकसान हो रहा है। महंगाई के कारण लोगों को आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है, साथ ही महिलाओं के किचन का बजट भी गड़बड़ा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, सुनील अग्रवाल, हरिशंकर विजयवर्गीय, रतन सोनी, मान सिंह परसोदा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, सोबरन सिंह, अनिल जैन, शैलेंद्र रघुवंशी, घाजीराम अहिरवार, ओम नरवरिया, बंटी अहिरवार आदि कांग्रेसियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदिरा जी के प्रति श्रद्धा है। इस अवसर पर मैं आप सब से देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती आज शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न मार्गों से होती एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन राष्ट्रवादी छात्र संगठन एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। वहीं वाहन रैली का जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। रैली शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई, वहाँ से हनुमान चौराहा, हार्ट रोड, नीचला बाजार, सुगन चौराहा आदि प्रमुख मार्गों से रैली को निकाला गया। वहीं छात्र छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का परिचय भी दिया गया। महिला कांग्रेस ने आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 100वां जन्म दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फल वितरित भी किए, साथ ही यहां पर वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को बताया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है इस पर भी लोगों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर महिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एवं कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इंदिरा जी के विरोध वो ऐसी बहुमती को चरणों में हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय नगर न बुलाए जाने वाला योगदान रहा है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब 1971 में जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग ने हम लोग कुछ प्रोग्राम के फल वितरित करेंगे यहाँ पे, जैसे कि पहले भी उनके शहादत दिवस पे हमने 31 अक्टूबर को हमने इस तरह से मनाया था, क्योंकि वो जो लेडीज थी बहुत महान लेडीज थी, कांग्रेस की एक प्रेरणा थी। उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने अपनी कार्यक्षमता से दुनिया में लोहा मनवाया और अपने आप को लोहा लेडी आयरन लेडी कहलाया, बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि आज की महिलाएं भी ऐसे उठें और आगे बढ़े, इसलिए कांग्रेस इसके लिए प्रयास कर रही है कि महिलाएं निकले और कांग्रेस कल दोपहर ग्राम मोई खेजड़ा चारणपुरा के पास आगरा बंबई एनएच मार्ग 3 पर कंटेनर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक महेंद्र बंजारा निवासी बरखेड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी को गंभीर हालत में देखकर मौके पर पहुंची डायल 100 ने गुना चिकित्सालय पहुंचाया।
बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। प्रकाशोत्सव पर्व पर निःशुल्क नेत्र शिविर में गुलाब सिंह धाकड़ ने नेत्रदान का लिया संकल्प। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने समस्त समाज को संगठित कर प्रकाशित किया, साथ ही गुरु जी ने हमारे अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाशमान किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव पर्व आज समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का गेहूं खेड़ा गिर्द में प्रकाशोत्सव पर्व समिति द्वारा आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि इस शिविर में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा व अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों की जांच, चश्मा, निःशुल्क दवा वितरण एवं मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन हेतु मरीजों को चिन्हित कर सदगुरु सेवा संस्थान आनंदपुर में भेजा जाएगा। इस शिविर से प्रेरणा लेकर गांव के ही निवासी वृद्ध गुलाब सिंह धाकड़ ने अपने नेत्रदान करने का संकल्प लिया। समिति द्वारा उन्हें सम्मानित कर पुस्तक भेंट की गई, साथ ही समिति द्वारा गांव के अन्य वरिष्ठ जनों को भी पुस्तक वितरित की गई। शिविर में 167 मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराई। हमारी एक समिति बनी है गुरु अभी अपने देश के महापुरुषों का प्रचार प्रसार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति पूरे भारतवर्ष में त्यौहार मना रहा है। अभी गुरु गोविंद सिंह जी जो आप सबने नाम सुना है गुरु गोविंद सिंह जी का, सिखों के गुरु बोलते हैं उनको, दसवें गुरु, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष के महापुरुष थे, जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महापुरुष। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जन्मदिन सम्मति आई जहाँ आंखों की जांच करवे अपनी सुरक्षा से आंख में दान कर रहा हूँ। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर आज युवा कांग्रेस गोना द्वारा शासकीय जिला चिकित्सालय में फल वितरित किए गए। इस मौके पर सभी युवा कांग्रेस व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अंदर वर्ड है ना। डीजे आनंद न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।